तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सेवा बनर्जी फ्रॉम सेयर्स पर्सन क्लिनिक। बहुत टाइम के बाद शॉर्ट्स वीडियो को छोड़ के थोड़ा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दूंगी। आज बर्ड्स के बारे में बहुत सारा बात करेंगे। आपको तो पता ही है, मेरा हस्बैंड तो बर्ड्स का डील वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो उनसे आज थोड़ा नॉलेज लेंगे हम, ठीक है। आज हमारे पास एक सरप्राइज वाला चीज़ है, वो भी एक बुकिंग में आया है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम देख लेते हैं क्या सरप्राइज है। और सबसे पहले, मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल सेयर्स पर्सन क्लिनिक को, और बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए, देख सकते हैं हमारे पास क्या है। बहुत बंदा गेस भी करेंगे क्या है। ये आपका इकिलेक्टस है, देख सकते हैं। ये अभी हैंड फीडिंग में है। तो चलिए आज इकिलेक्टस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम ले लेते हैं। तो आप थोड़ा इकिलेक्टस के बारे में हमको बताइए, कितना वैरायटी का इकिलेक्टस आता है और फूड वगैरह कैसे हम रखेंगे। नया जो हॉबीस्ट है, जो लोग थोड़ा आपका कुनू वगैरह से थोड़ा अच्छा वाला बाग में जा सकते हैं, तो उनके लिए इकिलेक्टस के लिए पहले कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है थोड़ा बताइए। हाय, मेरा नाम देश दीपक है। मैं बहुत साल से बर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनके बारे में कभी आप ख़त्म नहीं कर सकते। पढ़ाई हो कि जानकारी हो कि इनके क्लासिफिकेशन, इनका जो भी हो, आपको बहुत दिन तक, बहुत साल, महीना लग जाता है इनके बारे में सब जानने के लिए। तो जितना थोड़ा बहुत हम लोग को पता है, हम लोग के ये हम लोग का इकलेक्टस फीमेल। इनका सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक समझ में आता है, क्योंकि फीमेल रेड एंड ब्लू होता है और आपका जो मेल होता है वो फुल ग्रीन होता है। तो इसमें आपको मेल फीमेल का कोई अलग से डीएनए या डीएनए आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पे आपका कलर डिफरेंस में आपको समझ में आएगा मेल या फीमेल है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये अर्ली 3 मंथ्स का है। इसका अभी भी हैंड फीडिंग चल रहा है। हम लोग वार्सी लगा का A21 खिलाते हैं। A19 मैं बोलूँगा थोड़ा हाई क्लासिफिकेशन बर्ड्स के लिए A19 अच्छा नहीं है, क्योंकि पहली बात क्या होता है, A19 से खाना छोड़ देते हैं ज़्यादातर। 2-3 दिन बाद उन लोग को और फीडिंग नहीं लेता है। A21 फीडिंग बहुत अच्छा लेता है, आपको वॉल्यूम भी बढ़ता है, बॉडी वेट बढ़ेगा और आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इनका फूड्स बहुत बढ़िया। मैं बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ। और इनका डिफरेंसेस होता है कि फीमेल का डिफरेंसेस या इकलेक्टस डिफरेंसेस होता है कि इनका एक होता है रेड साइड, एक है वॉसमेरी होता है, एक ग्रैंड होता है। यही इनका ज़्यादातर डिफरेंस होता है। ग्रैंड का मतलब ही समझ में आएगा आपका, इनका 35-45 cm के इनका लेंथ होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है वो ग्रैंड इकलेक्टस होता है। डिमांडेबल सबसे ज़्यादा होता है वॉसमेरी का, क्योंकि वॉसमेरी का कलर स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आपको वॉसमेरी समझ में आएगा अगर आप ये जो टेल होता है यहाँ पे, ये टेल में आपको बीच में यहाँ पे येलो आएगा, इसके पीछे यहाँ पे अगर येलो फेदर्स आ गया तो आपको समझ में आएगा वो वॉसमेरी है। ये नॉर्मल है, ये त्रिनिदाद टोबैगो जो हम लोग बोलते हैं, या नॉर्मल जो इकलेक्टस होता है रेड साइडेड, वो है आपका रेड साइडेड होता है। रेड साइडेड सबसे डिमांडेबल रहता है। जो भी नया न्यू हॉबीस्ट होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आपको ये डिफरेंसेस भी आपको समझ आएगा। और ज़्यादातर मैं बोलूँगा, अगर आप टेम बर्ड रखना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज आपको हैंड फिट करना पड़ेगा। आप साल भर, 2 साल के लिए तब जितना भी में रखोगे, आपका टेम अच्छा आपके साथ बॉन्डिंग में रहेगा। देखिए, हाँ ये दिखा सकते हैं आप। देखिए, वार्सिला का A21 है, ये सबसे अच्छा फूड है मार्केट में। हाँ, इसका आप नीडल वगैरह आप ले लेंगे इसके साथ। हाँ, ज़्यादातर आपका जो आपका इन्फेक्शन वगैरह का, जो ज़्यादातर हम लोग होममेड फूड या कुछ होता है उसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, पर यहाँ पे आपका ये फूड में इन लोग ऐसे ही रेडी बनाते हैं कि इन्फेक्शन बहुत कम होता है, बॉडी वेट भी बहुत बढ़िया आता है इनका। थोड़ा नॉलेज तो मिल गया है जो लोग नया वाला हॉबीज़ है, क्योंकि ये सब बात के बारे में थोड़ा
कम ही नॉलेज आपको यूट्यूब में मिलेगा, क्योंकि लोग पूरा डिटेल्स में बात नहीं करते। तो जो नया वाला बंदा है उन लोगों का बहुत तकलीफ होता है, जो नया खरीद तो लेता है लेकिन रख नहीं पाते। तो पहले एक सोच लीजिए, पहले एक बार सब खरीद के कैसे उसको रखेंगे, रखने का सेटअप बता दीजिए। देखिए, अगर आप पहली बार टेम्ड बर्ड घर पे रख रहे हैं तो उनको आपको फैमिलियराइज करना पड़ेगा आपका एनवायरनमेंट के साथ। जैसे क्या होता है, अगर जो हम लोग केज में रखते हैं जो बर्ड्स, उनका क्या है, अब लाए केज में रखे, उनको पानी दिए, खाना दिए, बस ख़त्म बात वहाँ पे आ रहा। उसके बाद अब मेडिसिन वगैरह जो देना है, डिवॉर्मिंग वगैरह, लीवर का, कैल्शियम का। पर अगर टेम बर्ड उनका आपका जैसे पप्पी होता है, डॉग्स या पप्पी हम लोग का घर पे रहता है, वैसा ही होता है। ये लोग आपको छोड़ के कुछ समझते नहीं है, आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ खाना पीना घूमना सब ही है। तो इसको आपको थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर नया है तो जैसे ये बहुत ही बच्चा है, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, दिन में दो बार तो खिलाना ही पड़ेगा। तो ये सब आपको थोड़ा ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ेगा इनके पीछे। तो आपको थोड़ा बहुत मालूम चल गया कैसे रखना पड़ेगा। देखिए, हैंड टेम बर्ड को बहुत केयर से रखना पड़ता है, एकदम बच्चे जैसा, नहीं तो लोग पेट खराब वगैरह हो जाएगा, ठीक है, मोर्टेलिटी भी हो सकते हैं। वो जो लोग थोड़ा अच्छा वाला, कोनो कॉकटेल से थोड़ा अच्छा वाला बर्ड में जाना चाहते हैं, वो लोग जरूर जा सकते हैं, क्योंकि ये मिड साइज पैरट है। आप अगर बोलेंगे कि हाँ मुझे बात करने वाला पैरट जो चाहिए, बहुत अभी जो नया हॉबीस्ट लोग है सब बोलते हैं बात करने वाला, मैं एक चीज बोल देता हूँ, कोई बर्ड आपको बात करने वाला नहीं मिलेगा, आपको उसको सिखाना है। जैसे ये अभी जो वोकल आ रहा है इसका, ये धीरे धीरे मैं इसको बात करना सिखाऊंगा तो ये भी मुझे मिमिक्री करके सीख जाएगा, सीखेगा, बोलना सीखेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा वर्ड्स बोलेगा। आप ग्रे मान लीजिए, अमेजन मान लीजिए, कि इकलेक्टस मान लीजिए, कोई भी बर्ड खुद से बात नहीं करता है, वो सुन के ही सीखेगा। अभी जो सीखेगा वो बोलता ही रहेगा, उसमें उसको नहीं, पर आपको सिखा के देने वाला आदमी बहुत कम है, वो तो ट्रेनिंग के ऊपर होता है। जैसे हम लोग डॉग ट्रेनिंग होता है, वो बर्ड ट्रेनिंग है, आपको थोड़ा बहुत उसको डाइट देना है, वो कुछ अच्छा करेगा तो उसके लिए भी डाइट रहेगा, तो वो वोकल वो बोलता रहेगा, ठीक है। तो वो आपको समझना है कि आपको सिखाना है बैठ के, बहुत कम ही आपको मिलेगा, रियल नहीं मिलेगा कि कोई बात करने वाला बर्ड आपको बेच रहा है, कि अलग बात है, वो अलग चीज़ है, कोई बेच रहा है तो अलग है, पर ये सब बर्ड्स बात करेंगे, आपको सिखाना है इन लोग को। देने से ही बात नहीं करेगा, आपको थोड़ा उन लोगों के ऊपर में काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और हैंड तो मस्त है अभी। तो जो जो नॉलेज आपको चाहिए नया वाला बर्ड से, तो वही कलेक्टर के लिए थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज दिए हो। तो जो जो बंदा खरीदना चाहते तो आराम से ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये बड़ा कमिटमेंट है। जैसे आप डॉग्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं, डॉग्स भी 10-15 साल तक जिंदा रहता है, ये बर्ड्स आप जो भी पैरट मान लीजिए, वो मैकाओ लीजिए कि ये पैरट्स लीजिए, सब पैरट्स नियरली 30-40 ईयर्स जिंदा रहता है। सो इट्स अ बिग कमिटमेंट, आपको सोच समझ के आप लीजिएगा, क्योंकि आज ले लिए कल छोड़ दिए तो क्या होता है, इनको भी खराब लगता है, इन लोग का डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा जो होता है फेदर प्लकिंग। तो फेदर प्लकिंग आप इन लोग को टाइम दीजिए तो कभी फेदर प्लकिंग नहीं करेगा, डिप्रेशन से ज़्यादातर बर्ड्स फेदर प्लकिंग करता है। तो आप ये एक कमिटमेंट समझ के बर्ड्स खरीदे कि हाँ ये मेरे साथ घर में, जैसे बच्चे बड़े सब जैसे, ये भी एक फैमिली मेम्बर जैसे मेरे घर में रहेगा। तो चलिए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नया कुछ बर्ड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बोलिएगा, तो दीपक जी टाइम निकाल के थोड़ा नॉलेज आपके साथ शेयर कर देगा। तो चलिए, आज के लिए टाटा बाय, और चैनल को लाइक शेयर करिएगा जरूर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए टाटा बाय, फिर से मुलाकात होगी दूसरे कोई वीडियो में।